आज हम बात करने वाले हैं कि हम कटिंग वेलोसिटी, जो मेटल कटिंग में हम तीन टाइप की वेलोसिटी यूज करते हैं, वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है मेटल कटिंग के लिए। तो ये है वर्क पीस, वर्क पीस, ये है कटिंग टूल, और सिंपली कह सकते हैं टूल। ये क्या है? ये है थिकनेस। ये थिकनेस है अनकट और अनमशीन सरफेस की, तो इसको लग देते हैं अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस, और ये कटिंग के बाद चिप की थिकनेस। तो ये थिकनेस हो जाएगी टी सी, तो इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली चिप। अब यहां पे देखने वाली बात ये है कि मैंने चिप अनकट चिप थिकनेस, यानी कि जो मेटल कट नहीं हुई उसकी थिकनेस कम बनाई है, और जो मेटल कट हो गई उसकी थिकनेस ज्यादा बनाई है। उसका रीजन ये है कि जब मेटल कट हो जाती है, यानी कि जैसे मेटल कटिंग हो रही होती है उसके दौरान उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसके कारण उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। और दूसरा रीजन ये है, यदि कुछ लोग बोलते हैं कि थर्मल एक्सपांशन के कारण चिप की थिकनेस बढ़ जाती है, तो थर्मल एक्सपांशन के कारण जो चिप की थिकनेस में चेंज आता है वो माइक्रोन्स में आता है, यानी कि टी एंड टी सी, यानी कि अनकट चिप थिकनेस और चिप थिकनेस दोनों लगभग बराबर ही होंगे। तो ये थिकनेस बढ़ती है थर्मल एक्सपांशन की वजह से नहीं, ये बढ़ती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं जो कि हमको कैलकुलेट करना है। टूल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पीस हम बोलते हैं कटिंग वेलोसिटी, और इसको शो करते हैं हम बी से। टूल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पीस, यानी कि जो टूल ट्रेवल कर रहा है जिस वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम कटिंग वेलोसिटी। क्योंकि वर्क पीस की हमें कटिंग करनी है, इसलिए वर्क पीस तो फिक्स रहेगा, जिग्स या फिक्सर में इसको हम फिक्स कर देते हैं। जो मूवमेंट होगा वो होगा टूल का, यानी कि टूल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस बोलते हैं कटिंग वेलोसिटी, जिसको कि मैंने बी से शो की है। ये हमारा शेयर प्लेन होता है, और शेयर प्लेन मशीन सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है उसे फाई बोलते हैं। तो चिप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस, कटने के बाद जो चिप बनेगी उस चिप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस बोलते हैं शेयर वेलोसिटी, इसको कि हम बी एस से शो करते हैं। ये हो जाएगी शेयर वेलोसिटी बी एस। मैंने क्या बोला? मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ चिप, यानी कि चिप की वेलोसिटी वर्क पीस के रिस्पेक्ट में होगी शेयर वेलोसिटी, क्योंकि ये वर्क पीस से कट होने के बाद ये ट्रेवल कर रही है, वर्क पीस फिक्स रहेगा, वेलोसिटी होगी किसमें? होगी चिप में। तो ये हो जाएगी शेयर वेलोसिटी। और तीसरी वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ चिप विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस, सॉरी वेलोसिटी ऑफ चिप विद रिस्पेक्ट टू टूल, वो होती है चिप वेलोसिटी, जिसको कि हम बी सी से शो करते हैं। ये हो जाएगा चिप वेलोसिटी। मैंने तीन वेलोसिटी की बात की। पहली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ टूल विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस इज नोन एज कटिंग वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ चिप विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस हम उसको जानते हैं शेयर वेलोसिटी के नाम से। और तीसरी वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ चिप विद रिस्पेक्ट टू टूल और कटिंग टूल, वो होती है चिप वेलोसिटी। ये तीन वेलोसिटी की बात होगी। अब हम इससे एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे कि हम इन तीनों को आपस में कोरिलेट कर पाए। तो ये वाली हो जाएगी कटिंग वेलोसिटी, तो ये मैंने बनाई है कटिंग वेलोसिटी, इसको हम सिंपली v बोल सकते हैं। दूसरा है शेयर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी शेयर वेलोसिटी। तीसरी है कटिंग वेलोसिटी और सॉरी चिप वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी बी सी। टूल का रेफरेंस प्लेन के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं रेक एंगल, जो कि मैंने अल्फा से शो किया है। इसी को मैंने यहां पे भी बना दिया रेक एंगल को। ये वाला होता है शेयर एंगल, जो कि शेयर प्लेन का मशीन सरफेस के साथ बनता है। ये मशीन सरफेस है, ये मशीन सरफेस है, क्योंकि इसकी मशीनिंग हो चुकी है, मशीन सरफेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइव, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा।
अब हमको कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 180 माइनस 90 माइनस अल्फा माइनस 5। अब मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा माइनस 5। अब 90 माइनस, यदि माइनस साइन को कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा 5 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस 5 माइनस अल्फा और ये रहेगा ब्रैकेट में। तो तीनों वेलोसिटी को हम कोरिलेट कर सकते हैं साइन रूल लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा b बाय साइन 90 माइनस 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अब कोई सी भी bc ले लीजिए या bs कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा bc बाय साइन 5 इज इक्वल टू bs, bs के अपॉन में ये आ जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, b बाय cos, क्योंकि साइन 90 माइनस एंगल साइन एंगल होता है, तो इसको लिख सकते हैं cos, सॉरी cos एंगल होता है, cos 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू bc बाय साइन 5 माइनस bs अपॉन cos अल्फा। तो ये तीनों वेलोसिटी आपस में कोरिलेट हो चुकी हैं, जो कि हमने कोरिलेट कर दी हैं। यहाँ पे हमने तीन वेलोसिटी की बात की, पहली होती कटिंग वेलोसिटी जो कि होती टूल की विद रिस्पेक्ट टू वर्कपीस, क्योंकि वर्कपीस फिक्स रहेगा। दूसरी वेलोसिटी होती है शियर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चिप विद रिस्पेक्ट टू वर्कपीस। और तीसरी वेलोसिटी होती है, सॉरी दूसरी होती है शियर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चिप विद रिस्पेक्ट टू वर्कपीस। तीसरी होती है चिप वेलोसिटी, जो कि होती है वेलोसिटी ऑफ चिप विद रिस्पेक्ट टू कटिंग टूल। उन तीनों को हमने कोरिलेट किया और हमने एक आपस में कोरिलेशन बना दिया उनका, वेलोसिटी कटिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चिप और शियर वेलोसिटी के बीच में। तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं b बाय bc इज इक्वल टू cos 5 माइनस अल्फा बाय sin 5 और b बाय bs इज इक्वल टू cos 5 माइनस अल्फा और cos अल्फा। तो ये हम डायरेक्टली रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिए वेलोसिटी कटिंग वेलोसिटी चिप वेलोसिटी के बीच में। तो ये था कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी मेटल कटिंग में, ऑर्थोगोनल मेटल कटिंग में। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही।